तो बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने देश की राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक में जुम्मे के नमाज अदा करने के दौरान सड़क पर बैठे नमाजियों को दिल्ली पुलिस के जवान द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और लात मारने की घटना की घोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ को अपना परिवार कहते हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रही दिल्ली पुलिस उसी परिवार के सदस्य को लात घूसों से मारकर उन्हें इबादत करने से रोकती है। और कहीं ना कहीं इस तरह की दुर्व्यवहार की घटनाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि देश में किस तरह की व्यवस्था चल रही है। वहीं एजाज ने मुस्लिम समुदाय के साथ हुई इस तरह की घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मुस्लिम समाज से माफी मांगने और ऐसी घटना में लिप्त सभी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ माहौल खराब करने वाले पुलिस पदाधिकारी पर अलग से उपद्रव फैलाने के मामले दर्ज करते हुए उन पर अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ गिरफ्तारी की भी मांग की है। मुख्यमंत्री जी, आपके 140 करोड़ जनता के साथ आपकी पुलिस किस तरह का व्यवहार कर रही है? आपके द्वारा ये कहा जाना कि 140 करोड़ लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और आपके परिवार के सदस्य के साथ ही इस तरह की घटनाएं हो रही है, वो भी दिल्ली पुलिस के माध्यम से, जो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, जो दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन है, और इस तरह का नमाजियों के साथ दुर्व्यवहार, नमाजियों के साथ व्यवहार और उनके साथ लात घूसे से उनको मारा जाना, नमाज के दौरान उनको घसीटा जाना, ये इबादत करने से रोकने का जो तरीका अपनाया गया है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा इबादत कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज दिल्ली पुलिस का इंद्रलोक में व्यवहार देखने को मिला और जिस तरह से उपद्रव पुलिस के द्वारा की गई, इसको किसी भी स्थिति या परिस्थिति में